हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आज हम बात करें किस तरह जो है खीरा, जिसे कहते हैं ककड़ी भी कहते हैं, कुकुर भी कहते हैं, इसको किस तरह फिशेस को फीड करें। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते रहते हैं खीरा किस तरह फिशेस को फीड करना है। कभी कभी क्या होता है, खीरा ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर पानी के अंदर डूबता नहीं है, ये सिंक होता नहीं है, तो किस तरह इसको सिंक करते हैं और किस तरह फिशेस को फीड करते हैं, इसके बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, खीरा सबसे पहले ले लें, उसके बाद इसको काट लेना है, काट लेते हैं जितना चाहिए। काटने के बाद जितना आपको चाहिए उसको छील लेना, क्योंकि इसका छिलका जो है बहुत हार्ड होता है, फिशेस को खाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद अगर आप गोल्ड फिश को फीड करना चाहते हैं तो प्लेको को फिश करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, प्लेको इसके ऊपर बैठ के खा लेगी। अगर इस तरह आप जहां गोल्ड फिश देख रहे हैं उसको गोल्ड फिश को खा फीड करना है तो इस तरह बारीक का जो होता है वहां पर आपको इसको पीस कर डालना पड़ेगा। देखिए अभी गोल्ड फिश मेरी किस तरह खाती है, तो इस तरह पीस कट करने के बाद आप सिंपली इसको ड्रॉप कर देना है। देखिए ड्रॉप करने से क्या होगा, ये पानी के अंदर ड्रॉप नहीं होगा, इसको ड्रॉप करने के लिए हमको एक अलग एरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए उसको देखते हैं किस तरह इसको ड्रॉप करते हैं। ये कोई भी आप बारी वजन चीज़ इसको रखकर ड्रॉप कर सकते हैं, या सिंपली आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसको गर्म करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरह इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमको पानी गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पानी गर्म करने की वजह से ये हो सकता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, गैस को ऑन करने के बाद पानी को रखना है और अच्छी तरह इसको पकाना है। पानी अच्छा गर्म कर लेना है। देखिए पानी अभी ये गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम ककड़ी को डालते हैं, जो खीरा कहते हैं उसको डालते हैं, इसको इसके अंदर ड्रॉप करना है। देखिए इसको पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा गर्म पानी में डालना है। इसको देखो, अभी मैं गैस ऑफ कर देता हूँ, अभी ये ऑफ हो गया, इसके अंदर डाल देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 एक मिनट के लिए इसके अंदर डाल दें। अभी देखिए गर्म हो चुका है, अभी ये पीस जो है गर्म हो चुकी है, 1 मिनट हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, 2 मिनट के लिए आप इसको पानी के अंदर बॉयल होता हुआ गर्म पानी के अंदर रखना है। 2 मिनट रखने के बाद उसको बाहर रखें, ठंडे पानी में 2 मिनट रखें, 2-4 मिनट का प्रोसेस है, उसके बाद ये ठंडा होने तक रखें, क्योंकि गर्म होगा तो फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है। 1 मिनट बाहर रखें, उसके बाद आप सिंपली पानी में ड्रॉप कर देना है। देखिए ये ड्रॉप हो गया, अभी ये सिंक हो रहा है। आमतौर पर अगर आप सॉरी भी एक देखिए, अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल आप डालेंगे तो ये सिंक नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको गर्म करोगे, 2 मिनट बॉयल होता पानी के अंदर, 2 मिनट के अंदर रखोगे, 2 मिनट रखने के बाद आप इसको फिर 2 मिनट ठंडे पानी में रखना है, इसके बाद आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप हो गया है, आप ये सिंपली रख दें इसको, थोड़ी देर बाद आप जब ब्लॉक ऑफ फिशेस में दिखाऊँगा, ब्लॉक ऑफ फिशेस आकर इसको खाएगी। तो ये होगा अभी प्लेको फिश का, तो ये होगा प्लेको फिश का। अभी किस तरह हम ओल्ड फिश को या नॉर्मल फिश को फीड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले दिखाया था, पहले इसको आप निकाल लें छिलटे के साथ, इसको निकालें, निकाल कर आप नॉर्मल कोई फिश को या गोल्ड फिश को आप इसको फीड कर सकते हैं। फीड करने का तरीका ये है किस तरह आपको छिलकर जो बहुत मोटा भी नहीं चाहिए और मीडियम भी नहीं है, जिस तरह मोटा आता है उसका भी नहीं है, ये छोटा है तो उसका भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह सिंपली जो है छोटी चीज़ होती है इसमें इस तरह कर देना है। ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है, पानी बहुत जल्दी गंदा हो सकता है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डालना है, ये बाद में आपकी फिशेस जो है खाएगी। देख किस तरह गोल्ड फिश खा रही है, इसको कुकुमर खा रही है। इस तरह बारीक पीस करके डालना है, आपका पानी गंदा नहीं होगा, ये जो है पार्टिकल सिंक हो जाएंगे। देखिए किस तरह आसानी से ये गोल्ड फिश जो है खा रही है, आप देख सकते हैं। ये जो नीचे पड़ी है पीस, ये तो प्लेको फिश खाएगी,
उसके ऊपर आकर बैठेगी, बाद में मैं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सही है क्योंकि इमीडिएटली फिशेस जो है एक्टिव नहीं रहती, सही रहती है, छुपी रहती है, बाद में आकर खाएगी, मैं दिखाऊंगा। लेकिन गोल्ड फिश को या कोई नॉर्मल फिश को आपको फिट करना चाहते हैं तो इस तरह के आप बारीक पीस करके डाल सकते हैं। देखिए मैं करीब से दिखाता हूँ आपको किस तरह, देखिए गोरामी फिशेस सब आकर खा रही है, इस तरह के बारीक पीस करके डाल देना है। ज़्यादा मत डालिए, कम डालिए क्योंकि पानी जल्दी ख़राब हो सकता है। और ये समर सीज़न में देखिए गोल्डफिश खा रही है किस तरह करिए, ये समर में जो है बहुत बेस्ट फूड है गोल्डफिश के लिए या नॉर्मल फिश के लिए। ये हफ्ते में एक बार आप या दो बार आप इसको फिट कर सकते हैं, डेली मत फिट कीजिए। देखिए गोरामी फिश भी खा रही है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, आप रिज़ल्ट 100% देख सकते हैं। आपकी गोल्ड फिश जो है या कोई भी फिश आप इसको आसानी से खा लेगी। अभी यहाँ पर पड़ी है जो सिंक होकर है, अभी ये गोल्ड फिश, ये प्लेको फिश के लिए मैंने डाला है। प्लेको फिश आकर खाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इमीडिएटली जो फिशेस उतना एक्शन नहीं देते, थोड़ा टाइम लगने के बाद ये आ जाएंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बहरहाल मुझे दिखाना यही मकसद था कि किस तरह आप, तो मुझे यही बस दिखाना था कि किस तरह आप कुकुमर को पानी के अंदर सिंक कर सकते हैं। देखिए किस तरह सिंक हुआ है ये, और गोल्ड फिश भी बहुत अच्छी तरीके से आकर खा रही है। जो मैंने पीस पार्टिकल बारीक बारीक पीस करके डाला है उसको भी गोल्ड फिश जो है बहुत शौक से और मज़े से खा रही है। हफ्ते में एक या दो बार आप फिट कर सकते हैं। देखिए प्लेको भी मेरी करीब में आ रही है, प्लेको करीब में आने की कोशिश कर रही है। मैं तो थोड़ा दूर हो गया हूँ टैंक से क्योंकि करीब होंगे तो वो सही होकर नहीं आएंगे। अभी आप रिएक्शन देखते रहिए किस तरह ये फिशेस आएंगी खाएंगी। ये बहुत हेल्थी फूड है गोल्ड फिश के लिए या कोई फिश के लिए भी आप फिट कर सकते हैं। समर सीज़न में स्पेशली समर में उनको बहुत हेल्प करता है। और जब ये ड्रॉप कर देंगे आप फिशेस खाने के बाद, एक दिन या दो दिन इसी में, एक दिन रहने दे, दो दिन भी रहने तो पानी गंदा हो सकता है, एक दिन या दो दिन रखकर उसके बाद आप उसको निकाल लें।